उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष और टिहरी के सांसद प्रत्याशी बॉबी पवार ने लालकुआ के हलजू चौड़ क्षेत्र में जनमिलन कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें क्षेत्र के कई राजनीतिक, सामाजिक, छात्र संघ के नेताओं सहित बेरोजगार युवाओं ने बड़ी संख्या में पहुंचकर कार्यक्रम में शिरकत की। जनमिलन कार्यक्रम में बॉबी पवार ने कहा कि उत्तराखंड बने कई वर्ष बीत जाने के बाद भी रोजगार के लिए कोई ठोस नीति नहीं बनी है। बेरोजगारी के मुद्दों पर संघर्ष किया जा रहा है और इसी को लेकर हमारे साथी भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर देहरादून में भीषण गर्मी में संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे ही कई संघर्ष अल्मोड़ा में भी किए गए, जिसको लेकर सरकारें गंभीर नहीं है। उत्तराखंड में पलायन भी बहुत बड़ा मुद्दा है। प्रदेश में स्थानीय बेरोजगारों को शासनादेश के अनुसार 70% रोजगार नहीं मिल पा रहा है, जिससे युवा पलायन के लिए मजबूर हैं। लालकुआ से मुन्ना अंसारी की रिपोर्ट। करेंगे, परंतु पूर्व में जो किया गया संघर्ष है, हमारी कोशिश ये रहेगी कि समूचे प्रदेश के युवाओं, अभिभावकों को, जनप्रतिनिधियों को, पूर्व जनप्रतिनिधियों को, आंदोलनकारियों को, पूर्व सैनिकों को एकत्रित करके उन मुद्दों पर जो लड़ाई लड़ी जा रही थी उसे और मजबूती के साथ लड़ा जाए। वो पलायन की बात हो, रोजगार की बात हो, तमाम प्रकार की बात हो, आगे सभी लोग जिस प्रकार का रोडमैप तैयार करेंगे उस रोडमैप को चलकर आगे इस प्रदेश की बेहतरी के लिए काम किया जाएगा। मगर अभी भी व्यवस्थाएं वहां दुरुस्त नहीं है। लालकुआ का सीएससी जो है बदहाल पड़ा हुआ है और जो है पीएससी बदहाल पड़ा हुआ है और पूरा क्षेत्र में जो है समस्याएं जो है चरम पर है। तो बॉबी भाई से आज यहाँ पर गोला वाले हों या जितने भी लोग हैं, छात्र नेता हों, सभी ने समस्याओं पे डिस्कशन करा और हमें यह आश्वासन मिला है और हम लोग जो है मिलकर अब भविष्य में पूरी टीम यहाँ पर लालकुआ विधानसभा में बनाने जा रहे हैं और लालकुआ विधानसभा के जितने भी जनहित के मुद्दे हैं उनमें आज लालकुआ विधानसभा के लोगों से हम ये कहना चाहते हैं कि अब लालकुआ विधानसभा का संघर्ष केवल लालकुआ विधानसभा तक नहीं रहेगा, ये देश की, पहले तो प्रदेश की विधानसभा तक गूंजेगी ये बात, उसके बाद ये देश की संसद तक गूंजेगी और ये काम हमारे बॉबी भाई करेंगे। और ये उत्तराखंड राज्य एक सूत्र में पिरो के और इस उत्तराखंड राज्य का जो जिस तरह से हमने निर्माण किया उसी तरह से यहाँ का विकास हो, जो ये भारत देश का शीश मुकुट है, ये मुकुट विश्व पटल पर चमके, क्योंकि ये विश्व पटल का में अंकित हो चुका है ये राज्य हमारा। जो संघर्ष जिस तरह से हमने किया, महिलाओं ने, कर्मचारियों ने, तमाम लोगों ने यहाँ पर संघर्ष किया है, कितने 42 से अधिक लोगों ने शहादत दी, तो उन लोगों को भी ना भूलते हुए